खिलाड़ियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लंबे वक्त से तकनीकें बनाई जाती रही है और एंटी स्लिपिंग सिस्टम ऐसी ही एक तकनीक थी जो कि करीब 40 साल पहले आजाद की गई थी। इस तकनीक ने गाड़ी चलाना बहुत ही सेफ बना दिया था और आज हम इसी तकनीक को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या ABS के नाम से जानते हैं। कुछ वक्त पहले भारत सरकार ने ये फैसला किया था कि 2019 के बाद से सभी गाड़ियों में ABS होना जरूरी होगा, पर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि ABS होता क्या है। तो आज हम आपको इसके काम करने के तरीके को समझाएंगे, पर उसके पहले ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। ABS का फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इसका काम होता है अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी को फिसलने से बचाना। कई बार होता ये है कि आप जब अचानक ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी के व्हील्स तो लॉक हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काम करते ही रहता है और इसी वजह से गाड़ी मोशन में ही रहती है। अब इस सिचुएशन के कारण गाड़ी पर से आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है और इसके कारण कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। लेकिन ABS सिस्टम में गाड़ी के पहियों पर रुक रुक के ब्रेक लगते हैं और इसी वजह से गाड़ी के पहियों को ब्रेक लगने के बाद भी ग्रिप मिलती रहती है। इस सिस्टम की खास बात ये भी है कि अगर गाड़ी के पहिये भीगे हुए हैं तब भी ABS गाड़ी के पहियों को फिसलने नहीं देता। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी सुरक्षित रहे तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी कार या बाइक में ABS जरूर रखें। और ऐसी ही जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।